गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में, सर्विस इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। तो देखिए, सर्विस इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे हम लोग काम करते हैं सिस्टम पे, तो अपन दो टाइप की प्रोसेस अपने पास होती हैं, एक बैकग्राउंड प्रोसेस होती है, एक फोरग्राउंड प्रोसेस होती है। तो अपने पास क्या होता है कि अगर नॉर्मल अपन क्या करते हैं कि अगर एक प्रोसेस ली और एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी, फॉर एग्जांपल म्यूजिक स्टार्ट किया और दूसरी प्रोसेस पे काम कर, तो एक प्रोसेस अपनी बैकग्राउंड चली जाती है, तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। पर हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग चाहते हैं कि एक तरफ अगर म्यूज़िक प्ले हो रहा है, दूसरी तरफ हम अपने एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और उन सर्विसेज का यूज़ करके हम एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हम कोई एप्लीकेशन पे काम करना है, किसी फ्रेम पे काम करना है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, तो अपन इस टाइप की एप्लीकेशन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास देखिए जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, या जिसको बोलते हैं अपन एंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले देखिए हमारा नीचे स्टार्ट होता है सर्विस। सर्विस के बाद हमारे पास आता है कंटेंट रैपर, उसके बाद कंटेंट, और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी सर्विसेज को एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सर्विस होती हैं, जिन सर्विस का अगर लाइफ साइकिल की बात करें, तो हमारे पास दो टाइप की सर्विस यहाँ पर मिलती हैं आपको। तो फॉर्म, जो सर्विस के फॉर्म होते हैं, एक स्टार्टेड सर्विस होती है और एक हमारी बाउंड सर्विस होती है, ठीक है। तो जो स्टार्टेड सर्विस होती है, तो आपकी लाइक एक्टिविटीज़ की तरह, जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है कि स्टार्ट हुई और ख़त्म होने के बाद वो कंप्लीट हो गई, और जैसे ही वो अगर वो बैकग्राउंड में जाती है, तो इट इज़ स्टॉप, वो आपकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और वो फिर जैसे ही फ्रंट पे आती, तो वो ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। पर जो हमारे पास जो बाउंड सर्विस है, बाउंड सर्विस में क्या करते हैं हम कि एक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स को बाउंड कर देते हैं, और एक प्रोसेस अगर हमने स्टार्ट की और दूसरी प्रोसेस जैसे ही हमने अगर स्टार्ट की, तो पहली वाली प्रोसेस हमारी स्टॉप नहीं होती है। तो अब इन दोनों की देखिए लाइफ साइकिल, जो एक्टिविटी है वो कैसे है हमारे पास, कॉल टू स्टार्ट सर्विस, जो हमारा पहला मेथड है वो कौन सा मेथड स्टार्ट हो रहा है, कॉल टू स्टार्ट। फिर हमारा उसके बाद जो मेथड स्टार्ट होगा, जब कॉल सर्विस को हमने कॉल किया है, तो उसके बाद हमारा स्टार्ट मेथड होगा ऑन क्रिएट, कौन सा मेथड, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के बाद जो मेथड हमारा आता है दूसरे नंबर पे, उसको बोलते हैं ऑन स्टार्ट कमांड, और इसके बाद हमारी सर्विस आपकी क्या हो जाती है, सर्विस हमारी रनिंग हो जाती है, सर्विस हमारी चालू हो जाती है। अगर जैसे ही सर्विस हमारी स्टार्ट हुई, अगर किसी ने बीच में बैकग्राउंड में चली गई, तो ऑन डिस्ट्रॉय और सर्विस शट डाउन, हमारी सर्विस क्या हो जाती है, हमारी शट डाउन हो जाती है। तो ये हमारी कहलाती अनबाउंडेड सर्विस, क्या कहलाती, अनबाउंडेड सर्विस। एक बार डायग्राम में फिर देखिए, कॉल टू स्टार्ट सर्विस, सर्विस को हमने स्टार्ट किया, ऑन क्रिएट सर्विस, जो भी सर्विस को कॉल करने के बाद हमने सर्विस को क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद हमने ऑन स्टार्ट कमांड को पास कर दिया, यानी सर्विस अब हमारी सर्विस, जैसे आप लोगों ने पीसीबी ब्लॉक प्रोसेस कंट्रोल अगर आपने वो पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वैसे ही हमारे पास कॉल टू सर्विस, यानी सर्विस हमारी क्या रेडी, क्या हो रही है, बॉर्न हो रही है, यानी प्रोसेस जनरेट हुई, ऑन क्रिएट यानी रनिंग के लिए आ रही, ऑन स्टार्ट कमांड यानी हमने उसको एग्जीक्यूट के लिए तैयार है, रेडी रनिंग स्टेट में, उसके बाद हमारी सर्विस चालू हो गई। सर्विस हमारी, ये मेथड्स, तीन मेथड याद रखना, स्टार्ट सर्विस, ऑन क्रिएट, ऑन कमांड, इन्हीं पे हम काम करें। उसके बाद जैसी सर्विस हमारी कंप्लीट, ऑन डिस्ट्रॉय, अगर किसी कारणवश हमने उसको स्टॉप कर दिया या हमने उसको बैकग्राउंड में, तो हमने एक सर्विस क्या होगी, ऑन डिस्ट्रॉय और सर्विस शट डाउन, यानी सर्विस हमारी क्या हो गई, शट डाउन। तो ये हमारी क्या कहलाती, अनबाउंडेड सर्विस, क्या कहलाती, अनबाउंडेड सर्विस। अब अनबाउंडेड सर्विस देखते हैं, तो बाउंडेड सर्विस में देखिए अब इसी कंपेरिजन दिखा रहे हैं, कॉल टू बाइंड सर्विस, देखिए यहाँ पर लिखा है, जब हम मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो सर्विस को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉल टू बाइंड सर्विस, सर्विस को बाइंड किया, और मेथड दोनों में एक ही यूज़ होगा, ऑन क्रिएट, कौन सा मेथड, ऑन क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए ऑन स्टार्ट कमांड यूज़ हो रहा था, यहाँ पे यूज़ हो रहा है ऑन बाइंड, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, ऑन बाइंड, क्लाइंट आर बाइंड टू सर्विस, यानी क्लाइंट ने सर्विस को बाइंड किया है, उन सर्विस को आपका क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, क्लियर। और उसके बाद ऑन बाइंड, ऑन अनबाइंड, अगर हमने उसको हटाना है, तो हमें क्या, जैसे बाइंड करना है सर्विस को, तो ऑन बाइंड, अगर सर्विस को अगर हटाना है, तो अपन कौन सा यूज़ करेंगे, ऑन अनबाइंड मेथड्स को। उसके बाद सर्विस को अगर ख़त्म करना है, सर्विस को डिस्ट्रॉय करना है, तो ऑन डिस्ट्रॉय सर्विस शट डाउन। तो ये जो प्रोसेस, ये जो डायग्राम हमारा है, इतने स्टेप्स जो फॉलो हो रहे हैं, वो हमारे किसके लिए हो रहे हैं, बाइंडेड सर्विसेज, किसके लिए, बाइंडेड सर्विस। तो दो टाइप की सर्विसेज अपन ने पढ़ी हैं, स्टार्ट अनबाइंडेड सर्विसेज और बाउंडेड सर्विसेज।
तो अपन अब इन सर्विसेज के लेके, अब इनके बाउंडेड सर्विसेज और अनबाउंडेड सर्विसेज क्या होती हैं, इनका एक डेमो देखते हैं, तो प्रोग्राम अपन एक बनाते हैं, क्लियर। तो अपन इस पे एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक मेन एक्टिविटीज़ में अपन एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं, एक कंट्रोल डिज़ाइन करते हैं। तो कंट्रोल डिज़ाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेआउट लेंगे वो लेआउट लेंगे रिलेटिव लेआउट्स। कौन सा लेआउट लेंगे, रिलेटिव लेआउट्स। और रिलेटिव लेआउट्स में अपन थ्री बटन्स रखेंगे। कितनी बटन्स रखेंगे, थ्री बटन्स रखेंगे। डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको, इतनी बटन्स रखेंगे। एक रखेंगे स्टार्ट सर्विसेज के लिए, यानी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। एक सर्विस रखेंगे अपन स्टॉप, सर्विस को स्टॉप करने के लिए। और एक सर्विस रखेंगे अपन नेक्स्ट पेज में। जैसे हमने देखिए नेक्स्ट पेज, देखिए एक तो हमने रखा, जैसे हमने कोई MP3 सॉन्ग चलाया, MP3 सॉन्ग को चलाने के लिए, MP3 सॉन्ग को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट सर्विस, सर्विस को अगर हमें स्टॉप करना है, स्टॉप करना है सर्विस को स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है स्टॉप सर्विसेज। अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, डायग्राम समझना, अभी हम प्रोग्राम करके भी बताएंगे आपको, अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तो जो पहला वाला जो हमारी सर्विस चल रही है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, बैकग्राउंड में चली जाएगी। हम चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट पेज पे मूव करें बैकग्राउंड में जाए तो, पर वो सर्विस हमारी स्टॉप ना हो। तो अब देखिए हम एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं, एक्सएमएल फाइल पे जाते हैं। तो कोड विंडो पे गए, हमने यहाँ से लिया रिलेटिव लेआउट्स, उसके बाद हमने यहाँ पे बटन क्रिएट की। तो बटन की आईडी ली बटन स्टार्ट, विड्थ सेट की इसकी रैप कंटेंट, हाइट सेट की रैप कंटेंट, और उसको कहाँ लाना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टल इक्वल टू ट्रू, यानी जो लेआउट्स है उस लेआउट के कहाँ पे आए, हमारे सेंटर पे आए। उसके बाद हमने यहाँ यूज़ किया एंड्रॉयड लेआउट सेंटर वर्टिकल, यानी हॉरिजॉन्टल सेंटर वाला, पर उसको हमने कहाँ पे सेंड किया, लेआउट के सेंटर में, वो किस पोजिशन में आनी चाहिए, वर्टिकल पोजिशन पर आनी चाहिए। और उस बटन का टेक्स्ट हमने क्या दिया, स्टॉप सर्विस, क्या दे दिया, सॉरी एक हमने दिया, एक बटन का नाम दिया स्टार्ट सर्विस, और इसी तरह हमने दूसरी बटन का नाम दिया क्या, स्टॉप सर्विस। तीसरी बटन हमने ली एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा एंड्रॉइड बटन नेस्ट, इसके भी हमने हाइट विड्थ और अलाइन पैरेंट बॉटम कहाँ सेट किया, बॉटम। लेआउट सेंटर, सेंटर पे सेट कर दिया इसको भी। मार्जिन टॉप से, टॉप से कितना नीचे आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे दिया 63 dp। और टेक्स्ट इसका क्या दिया, नेक्स्ट पेज। तो ये हमारा एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल पहला हमने कोड फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब हमें देखा, हमने एक सॉन्ग के लिए फाइल लेना है, तो सॉन्ग के लिए अगर हमें फाइल अपनी रखनी है, कोई MP3 या कोई MP4, कोई वीडियो फाइल रखनी है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, देखिए स्टेप, रिसोर्स फोल्डर पर जाना है, राइट क्लिक करना है, कहाँ जाना है, रिसोर्स फोल्डर में राइट क्लिक करना जाना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना है। रिसोर्स टाइप किस टाइप का चाहिए हमको, रा टाइप का। तो यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे रा, और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए आपकी रा नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब जो सॉन्ग फाइल है उस फाइल को आपके कंप्यूटर्स में कहीं पे भी पड़ी हो, कोई भी MP3 फाइल्स, तो उसको माई कंप्यूटर में जाके अपने डायरेक्शन, वो पाथ जो भी, जहाँ पे भी आपका पाथ हो, उस फाइल्स को, जैसे हमने फोल्डर्स में अपनी फाइल यहाँ से MP3 सेलेक्ट कर ली, इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपने रा नाम का फोल्डर बनाया, वहाँ जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद उस फाइल का नाम कोई भी आपको रखना है, चेंज कर सकते हैं अगर बड़ा है तो। हमने यहाँ पे इसका कर दिया सन डॉट MP3, फाइल का नाम क्या कर दिया, सन डॉट MP3। तो पहला काम आपको ये कर लेना है, क्लियर। दूसरा, अब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो अभी बाय डिफॉल्ट जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी कितनी होती है, एक एक्टिविटी होती है। तो हमको एक सेकंड एक्टिविटी या नेक्स्ट पेज को भी लेना है। तो नेक्स्ट पेज लाने के बाद अगेन आप कहाँ जाएंगे, रिसोर्स के अंदर। रिसोर्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा लेआउट, लेआउट पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर फिर आप अगेन अंदर जाएंगे उसके, तो आपको मिलेगा एम्प्टी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे पूछेगा एक्टिविटी नेम। तो ऐप एक्टिविटीज़ का नाम दे दीजिए, एक्टिविटी सेकेंड, एक्टिविटी नेक्स्ट, जो भी आपको नाम रखना है तो नाम रख दीजिए आप। तो हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी, हमारे पास जैसे ही एक्टिविटी पे क्लिक किया तो एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल में भी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इस फाइल में भी हमने एक बटन को एक टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, व्यू
टेक्स्ट व्यू, आईडी इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, और इसकी हाइट, विड्थ, मार्जिन, स्टार्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन और टेक्स्ट नेक्स्ट पेज, इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये हमारी कौन सी फाइल में, दूसरी एक्टिविटी क्या बन गई, एक्टिविटी नेस्ट डॉट एक्सएमएल। उसके बाद अब हमें अपनी सर्विसेज को मैनेज करना है। तो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए हमको एक जावा फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, एक जावा फाइल हमको लेनी पड़ेगी। तो जावा फाइल लेने के लिए आप जावा फोल्डर के अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐप के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एक फाइल क्रिएट करेंगे, जावा क्लास फाइल, और उस फाइल का नाम दे देंगे माई सर्विस। क्या नाम दे देंगे, माई सर्विस, जो भी आपको देना, हमने यहाँ पे माई सर्विस नाम से बनाया। तो माई सर्विस के बाद आप यहाँ पे अपनी जो जो सर्विस आपको लेनी है वो सर्विस, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले से बनी सर्विस क्लास फाइल बनी है। तो हमने यहाँ पे किया पब्लिक क्लास माई सर्विस एक्सटेंड सर्विस। सर्विस क्लास को हमने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे मीडिया प्लेयर माई प्लेयर एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी मीडिया प्लेयर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद एक हमने मेथड लिया, बाय डिफॉल्ट मेथड हमारे पास आता था आई बाइंडर ऑन बाइंड। हमने मेथड बताया था कौन सा, जब हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेस को मैनेज करते हैं। तो अभी हमने आपको जस्ट प्रेजेंटेशन बताया था कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑन बाइंड मेथड। ये देखिए आ गया ऑन बाइंड मेथड। तो ऑन बाइंड मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया इंडेंट और इंडेंट एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर लिया। देखिए ऑन बाइंड के बाद हमने यहाँ पे एक मेथड और लिया है ऑन क्रिएट मेथड। क्या लिया हमने, ऑन क्रिएट मेथड। तो टोस्ट, टोस्ट काय के लिए यूज करते हैं, मैसेज प्रिंट करानी, तो टोस्ट मैसेज हमने दे दिया इसके अंदर सर्विस क्रिएटेड। क्या मैसेज दिया, सर्विस क्रिएटेड। उसके बाद मीडिया प्लेयर को इनिशियलाइज किया, तो मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट आर डॉट रा डॉट सन, यानी इस मीडिया प्लेयर में कौन सा सॉन्ग बजना चाहिए। तो हमने किसके अंदर फोल्डर सेव किया, रा फोल्डर के अंदर, और रा किसके अंदर था, रिसोर्स के अंदर। तो हमने कैसे कॉल किया, आर डॉट रा डॉट सन, यानी सन मतलब उस MP3 फाइल का नाम। हमने यहाँ पे कर दिया मीडिया प्लेयर यानी एम प्लेयर ऑब्जेक्ट डॉट सेट लूपिंग फॉल्स, यानी लूपिंग हमें नहीं करना है। लूपिंग अगर कर देंगे तो यही सॉन्ग आपका बार बार बजता रहेगा, तो लूपिंग अपन को नहीं करना। ऑन स्टार्ट, तो ऑन स्टार्ट में जाके हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया सर्विस स्टार्ट, और मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट। मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट हम आपको पहले बता चुके, स्टॉप स्टार्ट स्टॉप पॉज, ये हम आपको मेथड पहले बता चुके। तो किसी भी मीडिया प्लेयर को अगर ओपन करना है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड। उसके बाद अगर हमें उसे स्टॉप करना है, यानी ऑन डिस्ट्रॉय, कौन सा मेथड आ गया, ऑन डिस्ट्रॉय, उसको ख़त्म करना है, तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप। तो ये हमने अपनी माई सर्विस क्लास बना ली, क्लियर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जाना है manactivity.java फाइल। किस पे जाना है, जो हमारी जावा फाइल्स बनी है उस जावा फाइल में अपने को काम करना है, मैन एक्टिविटी में अपने काम करना है। तो मैन एक्टिविटी में आपको जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी आपने बटन्स ली थी, तो आपको याद करो सबसे पहले हमने बताया था कि जब हमने अपनी वो डिज़ाइन किया था तो उसके अंदर हमने 3 बटन्स ली हुई थी। कितनी बटन्स ली हुई थी, 3 बटन्स ली हुई थी। कौन कौन सी बटन्स ली थी अगर याद हो, हमने एक ली था आपको कौन सी बटन, स्टार्ट बटन, स्टॉप और नेक्स्ट पेज। तो अपन कहाँ गए, मैन डॉट जावा फाइल्स पे। तो हमने यहाँ बटन्स के, तीनों बटन्स के ऑब्जेक्ट बनाए, बटन स्टार्ट कॉमा बटन स्टॉप कॉमा बटन नेक्स्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट ले लिया, बटन स्टार्ट स्टॉप और नेक्स्ट। उसके बाद ऑन क्रिएट आपका मेथड बना बनाया आता है, आपको कुछ में कुछ नहीं करना, बस इसी मेथड्स के अंदर तीनों बटन्स को इनिशियलाइज करना। और देखिए एक हमने एक और चीज़ इसमें यूज़ की, जब हम एक ही बटन पे काम करते हैं, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 प्रोग्राम में मैं इसको रिवाइज़ करा चुका हूँ, कि जब हम एक ही बटन पे काम करते हैं, एक ही क्लिक इवेंट पे काम करना चाहते हैं, तो हम एक इम्प्लीमेंट ऑन क्लिक लिसनर एक इंटरफेस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑन क्लिक लिसनर, यानी ऑन क्लिक लिसनर, यानी किसी बटन पे क्लिक करें तो उसका कौन सा इवेंट जनरेट होगा, क्लिक इवेंट जनरेट होगा। तो हमने तीनों बटन, इस बटन स्टार्ट फाइंड बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन स्टार्ट, इसी तरह हमने स्टॉप के लिए इंटीजर। उसके बाद हमने तीनों बटन्स का सेट क्लिक लिसनर मेथड्स को कॉल किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट बटन स्टार्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर कौन सा कीवर्ड पास कर दिया, दिस। दिस आपको मालूम क्यों पास करते हैं,
दिस जब इट सेल्फ क्लास को अगर हमें करना होता तो हम कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, दिस। सुपर कीवर्ड हमने आपको बताया था कि कब लगाते हैं, जब हमें बेस क्लास के मेथड को ड्राइव क्लास में यूज कर सुपर, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सुपर जावा में पढ़े होंगे आप, तो दिस दिस हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद अब इन तीनों को हमें कौन सी बटन पे यूजर ने क्लिक किया है, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे चेक किया ऑन क्लिक व्यू डॉट एस आर सी, ऑन क्लिक व्यू डॉट एस आर सी। इसके अंदर अपन ने यूज किया स्विच एस आर सी डॉट गेट आई डी। एस आर सी डॉट गेट आई टी आई डी क्या करेगा, ये पहचानता है कि यूजर ने तीनों बटन्स में कौन सी बटन पे क्लिक किया है, उसकी ये आईडी रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, आईडी। तो यहाँ पे हमने कैसे दिया, केस आर डॉट आईडी डॉट बटन स्टार्ट। अगर उसने बटन स्टार्ट पे क्लिक किया तो स्टार्ट सर्विस, सर्विस हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। न्यू इंडेंट दिस माई सर्विस डॉट क्लास, माई सर्विस डॉट क्लास कौन सी है, जो हमने जावा क्लास बनाई थी अपनी। इसी तरह आईडी डॉट आर डॉट आईडी डॉट बटन स्टॉप, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप सर्विस, किसको कॉल किया, सर्विस को स्टॉप किया। फिर हमने क्या किया, आर डॉट आई डी डॉट बटन नेस्ट। तो जब हमें मालूम है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, ये हम आपको भी बता चुके हैं कि जब हम नेविगेशंस करते हैं तो हम इंडेंट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, इंडेंट का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे किया इंडेंट, इंडेंट इक्वल टू न्यू इंडेंट, किस पेज पे जाना है, तो उस क्लास यानी एक्टिविटी नेस्ट डॉट क्लास फाइल, हमने बनाया था ना एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल, तो उसकी क्लास फाइल, तो हमने यहाँ पे कर दी एक्टिविटी डॉट क्लास फाइल स्टार्ट एक्टिविटी इंडेंट, एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम आपको रन करके बताते हैं। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ये देखिए हमारे पास तीन बटन आ गए, स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस और नेक्स्ट पेज। देखिए हमने यहाँ से किया, देखिए हमारा MP3 सॉन्ग बजने लगा। अगर हम स्टॉप कर देंगे, सर्विस हमारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। स्टार्ट किया, सॉन्ग हमारा स्टार्ट हो गया, क्लियर। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तब भी हमारी सर्विस ये क्या होगा, सर्विस हमारी चलती रही, क्लियर। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मूव करें तब भी हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो ये हमारा कहलाता है एंड्रॉयड सर्विसेज, यानी कि हम एक साथ मल्टीपल प्रोसेस पे भी काम कर सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट पेज पे हैं फिर भी हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, यानी वो सर्विस, पहले वाली सर्विस को हमने कहाँ भेज दिया, बैकग्राउंड भेज दिया, और नेक्स्ट सर्विस पे हम काम कर रहे हैं, क्लियर। ये पहले आपने देखा होगा, जो पहले हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आते थे, अगर हम उनमें कॉल करते थे, कॉल करने में हम जैसी कॉल आती थी हमारा सॉन्ग अगर प्ले होता तो स्टॉप हो जाता। पर आज जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं तो उनमें देखा होगा आप सॉन्ग भी बजा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो यानी कि वो हमारे किसको सपोर्ट करने लगे, मल्टीपल सर्विसेज को सपोर्ट करने लगे। तो ये प्रोग्राम मैं आपको भेज दूंगा, इस प्रोग्राम पे आज आपको काम करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।